सोच के कुछ दिखाने हम आए हैं, हम आए हैं, हम आए हैं, और हम हैं बैक्टीरिया, और हम आए हैं यहाँ पर बनाने किसी को अपना शिकार, जिसे हम कर देंगे बहुत बीमार। किसे ढूंढे, किसे ढूंढे, चलो किसी ना किसी को तो हम ढूंढ ही लेंगे। मौका मिलते ही बैक्टीरिया ने दिखाया अपना कमाल और फिर से बना लिया किसी को शिकार। छोटू और चिंटू बहुत बीमार हुए और पहुंचे डॉक्टर के पास। छोटू ने सतर्कता दिखाई और पहुंचा डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे कब से हो रहा है? 3 दिन से। नहीं दिखाया डॉक्टर को? नहीं। कोई दवाई ले रहे हो घर पे कुछ से? नहीं। ठीक है, मैं आपको तो एंटीबायोटिक लिख रही हूँ। खाना खाने के बाद 3 टाइम लेनी है, 5 दिन के लिए। 5 दिन का पूरा कोर्स लेना है, बीच में छोड़ना नहीं है। ठीक है, हम हैं लो पावर की एंटीबायोटिक। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं तो मरता ही जा रहा हूँ। लगता है शायद इसने दवा ले ली है और पूरे टाइम से पूरे 5 दिनों के लिए ली है। छोटू ने दवाई भी ली और सही भी ली और किया बैक्टीरिया का विनाश। तो अब जानते हैं चिंटू का हाल। मम्मी, मम्मी। हाँ चिंटू। मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और उल्टी भी हो रही है। आपके पास कोई दवाई है? हाँ रखी तो है कोई दवाई, देती हूँ। ये लो बेटा, ठीक हो जाओगे। हम हैं हाई पावर की एंटीबायोटिक्स। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? लगता है ये तो बहुत हाई पावर की दवाई है। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठ। अब बताओ क्या हुआ? डॉक्टर साहब, 2 दिन से बुखार हो रखी है और एक खांसी तुमने सांस नहीं लेने दे रही है। तुमको अभी 2 गोली देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। ये लो 2 गोली, 3 दिन खानी है, तीनों टाइम। खाना खाने के बाद? हाँ खाना खाने के बाद। हाँ हाँ ठीक हो जाओगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब जाओ। सीन 2, शांति देवी का घर। अरे भगवान, कैसे हो? तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, अब तो एकदम ठीक है। दवाई ले रही हो कि नहीं? नहीं, अब तो 2 दिन की दवाई ले ली। 1 दिन की दवाई मुझे आगे काम आएगी। कम से कम 3 दिन की तो ले लेती। ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हाँ हाँ, मैं भी जानती हूँ, आपने तो जाना भी था मुझे। जैसा अक्सर हम सभी करते हैं, बीमारी के लक्षण हटते ही दवा लेना छोड़ देते हैं, ठीक वैसा ही शांति देवी ने किया और आगे चलकर उसके दुष्परिणाम भी उन्हें देखने को मिले। भगवान, क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं क्या? लगता है मैं फिर से बीमार हो गई हूँ। डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं नहीं, हमारे डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी थी ना, वो लेकर आ दो, तो 1 दिन की रखी थी। ठीक है, 1 टाइम की तो लो और मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। अरे भैया। हाँ जी बता। हाँ मैं ना क्या बीमार लग रही हूँ? हाँ हाँ लगता है, ऊपर से बुलावा आ गया है। ऐसा तो मत करो, कब से बीमार हो? 15 दिन से बीमार हो रखी हूँ। कहीं दिखाया? दिखाया, दिखाया था हमारे गांव के डॉक्टर साहब को। लगता है वो दवाई मुझ पे बेअसर हो गई है। ये बात है क्या? तो एक काम करो, यहाँ आ जाओ, शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर ठीक हो जाओगे। अच्छा ठीक है, आते हैं। ठीक है। क्या बोल रही थी आपकी बहन? बीमार है काफी दिन से, तो यहाँ बुलाए शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। अच्छा फिर आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। पता नहीं वो कब पीछा छोड़ेगी। और फिर शांति देवी व उसका भाई पहुंचे एम्स ऋषिकेश। डॉक्टर साहब, बैठिए यहाँ पे।
तकलीफ है आपको? बुखार है डॉक्टर साहब और खांसी भी हो रही है, अब तो लगता है कमजोरी भी आ गई है। गहरी गहरी सांस लो, उधर सांस लो गहरी गहरी। कितने दिन से आपको तकलीफ? 15 दिन से। अच्छा, तो पहले कभी इलाज करवाया है, दवाई ली है? हाँ हाँ, हमारे डॉक्टर साहब से करवाया था। वो दिखाओ कर दवाई या पर्चा जो भी दिया पहले। पर्चा तो नहीं है। अच्छा, पर्चा नहीं दिया? हमारे गांव के डॉक्टर बड़े होशियार है, उन्हें पर्ची वर्ची की जरूरत ना होती। अब मुझे बताइए आप दवाई कितने दिनों से ले रहे हैं? 15 दिन से डॉक्टर साहब। आपको पता है ये कितनी लो पावर की एंटीबायोटिक्स है, हाई पावर की एंटीबायोटिक्स है? नहीं डॉक्टर साहब। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कितना कम कर देंगी? क्या होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता? रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की क्षमता होती है जो आपको रोगों से मुक्त रखती है, और अगर आप कितनी हाई पावर की एंटीबायोटिक्स लेते रहोगे तो आपका शरीर इतना प्रतिरोधी बन जाएगा कि आप कितनी भी दवाइयाँ ले लोगे उस पर कोई असर नहीं होगा। चलो कुछ नहीं, अभी मैं आपको कुछ जांच लिख के दे रही हूँ, ये जांच करवाओ, फिर इनका परिणाम आएगा, उसके बाद देखते हैं आपके आगे क्या इलाज क्या करना है। कुछ दिन बाद जांच के नतीजे भी आए और फिर से शांति देवी को अस्पताल बुलाया गया। डॉक्टर साहब, जो आपने जांच की थी उसकी रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, आ गई? जिसका डर था वही हुआ, आपका शरीर इतना प्रतिरोधी हो गया है कि अब उस पर किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा है। अब क्या होगा? अभी वैसे भी कोरोना काल में लोगों ने इतनी एंटीबायोटिक का सेवन कर लिया है कि उनका शरीर प्रतिरोधी हो गया, परंतु अभी मैं आपको अस्पताल में भर्ती कर रही हूँ आगे के इलाज के लिए, ठीक है? शांति देवी को अस्पताल में भर्ती किया पर नतीजा कुछ अलग ही था, सारी दवाइयाँ सारी एंटीबायोटिक्स बेअसर रही और आखिरकार शांति देवी की मृत्यु हो गई। चलो हंसने की हम कोई वजह ढूंढते हैं, जिधर न हो कोई कम वो जगह ढूंढते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे आसमानों में यारों चलो जमीन पर हम सता ढूंढते हैं, छूटे सब कितनों का जिंदगी की जंग में चलो उनके दिलों में हम गिरा ढूंढते हैं, बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरे में चलो अंधेरे की रातों में हम सुबह ढूंढते हैं, और इसी सुबह की शुरुआत तब होती है।